से जुड़ी हुई। उज्जैन के दौरे पर आज मुख्यमंत्री रहने वाले हैं, आज शाम महाकाल की नगरी सीएम पहुंच जाएंगे, बाबा महाकाल का दर्शन और पूजन पाठ करेंगे, महाकाल का पूजन और अभिषेक कर आशीर्वाद लेंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। हालांकि अवंतिका, बीते दिनों हमने उन्हें राजस्थान में देखा, राजस्थान में वो हुंकार भरते हुए नजर आए तो सवाल उठ रहे थे कि आखिर एमपी में इतना सन्नाटा क्यों। लेकिन अब शिवराज सिंह चौहान यहाँ पर दिखाई देंगे और उज्जैन भी जाएंगे, वो यहाँ पर पूजा पाठ भी करेंगे और साथ ही महाकाल का अभिषेक भी वो करते हुए नजर आएंगे, आशीर्वाद भी वो लेंगे। इस पूजन के पीछे का मकसद कुछ और भी हो सकता है। 3 दिसंबर का चूंकि इंतजार एनसी का किया जा रहा है, हो सकता है कि ये कवायद अलग अलग नेताओं जनप्रतिनिधियों की तरफ से भी आप देखेंगे, ज्यादा से ज्यादा भक्ति में माहौल बनाने की कोशिश। एक तरफ अगर आप बीजेपी का ट्विटर हैंडल भी देखेंगे तब भी आपको वही साक्ष्य मिलेंगे, राम मंदिर के साथ डीपी चेंज की जाती है। और दूसरी तरफ लगातार हर नेता हर जनप्रतिनिधि ये चाहता है कि ईश्वर का आशीर्वाद निरंतर बना रहे, 3 दिसंबर को वो जादू भी चले जिसकी कामना हर प्रतिनिधि कर रहा है। चलिए सीधे आपको लिए चलते हैं उज्जैन, हमारे सहयोगी अजय पटवा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, आज मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं, कई सारे कारण हो सकते हैं, हालांकि पूजन करेंगे अभिषेक करेंगे इसे लेकर जानकारी है, अन्य कोई जानकारी इससे जुड़ी? ये देखिए, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का जो है मुख्यमंत्री हैं और इसके पहले भी कई बार जो है उज्जैन आते हैं और वो भगवान महाकाल का दर्शन करना नहीं भूलते हैं। लेकिन इस बार जो है मतदान हुआ है, मतदान के बाद जो ईवीएम में जो भविष्य जो प्रत्याशियों का केस हुआ है, अब 3 दिसंबर को जो ईवीएम का पिटारा खुलेगा उसमें लोग जो प्रत्याशी उनका भविष्य तय होगा। लेकिन इससे पहले सभी प्रत्याशी जो है भगवान के देव स्थलों पर जा जाकर जो है प्रार्थना कर रहे हैं, मन्नतें कर रहे हैं। इसी तर्ज पर आज जो है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी आज उज्जैन पहुँचेंगे, यहाँ पर वे 5:30 बजे के आसपास महाकाल मंदिर पहुँचेंगे, यहाँ पर वो करीब आधे से पौन घंटे तक जो है भगवान महाकाल का पूजन अभिषेक करेंगे, जिसमें बताया जा रहा है कि जिस। चलिए अजय, बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। ग्वालियर से बड़ी खबर आ रही है।